प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वर्कशीट नंबर 27 में हम नादान दोस्त पाठ में श्यामा, केशव, चिड़िया और अंडों के साथ और क्या क्या होता है, तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। क्लास 6 हिंदी की आज की वर्कशीट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त, जो कि आपके पास बसंत में कहानी है, इसके एक भाग में हमने पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं की, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, धूप न लगे इसका सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ वो अरेंजमेंट करते हैं। परंतु इसका प्रभाव गलत पड़ता है। अब चिड़िया उन अंडों के पास नहीं आना चाहती है, तो अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। तो किवाड़ केशव ने खोला था। किसने खोला था किवाड़? केशव ने। मम्मी ने पूछ लिया, भाई किवाड़ किसने खोला? अब यहाँ पर श्यामा जो है कंफ्यूज हो गई कि क्या मैं बताऊँ कि भैया ने खोला है, बताती हूँ तो भैया पिटेंगे, नहीं बताती हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, बिल्कुल नहीं बताया। छोटी बहन है, अक्सर छोटे भाई बहन शिकायत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर श्यामा ने शिकायत नहीं करी। उसे डर था, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, मम्मी पिटाई कर देगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे नहीं दिखाए थे ना भाई, अंडे भी नहीं दिखाए, ऊपर भी नहीं चढ़ाया, तो कब होता है भाई बहनों में, तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। और भाई बहन शिकायत कर भी देते हैं। इससे अब श्यामा पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उसे पक्का पता था कि श्यामा कहीं ना कहीं मम्मी को सच बता देगी कि दरवाज़ा जो है वो केशव भैया ने खोला था। अब श्यामा ने क्यों नहीं बताया भाई? देखो श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, भैया से प्यार करती थी ना भाई, भाई बहनों में बहुत प्यार होता है। आप भी अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करते होंगे, बड़ा भाई बहन आपको प्यार करते होंगे, आप अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करते होंगे, तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको प्यार मिलता है बड़े भाई बहनों से, और आप छोटे भाई बहनों से प्यार करते हो या नहीं, कितने बच्चे करते हैं। तो देखिए, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। भाई देखो, श्यामा ने क्यों नहीं बताई बात? दो रीज़न। पहला कि भैया पिट जाएंगे, वो भैया से प्यार करती है। दूसरा रीज़न हम जाने कि वो भी तो इन्वॉल्व थी ना भाई, उसने भी भैया को रोका नहीं, और कहीं ना कहीं श्यामा भी दरवाज़ा खोलने में केशव का साथ दिया है। तो अब ये कह नहीं सकते कि उसे भैया से प्यार था, या वो खुद भी डर रही थी कि वह पिटाई होगी तो मेरी भी हो सकती है, शायद दोनों ही बातें हों। भाई दोनों बातें हो सकती है, बड़ी भैया से प्यार भी करती है तो अगर बता दूंगी तो मेरी भी पिटाई हो जाएगी, इसलिए दोनों बातें शायद। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे 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 पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को धीरे 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 नींद आ गई। बताइए, पिछली बार दोनों बच्चों को नींद नहीं आई, बट इस बार आ गई, क्योंकि इस बार दोनों ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, तो अब नींद तो आ ही जाएगी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक का मतलब अचानक, सडनली श्यामा की नींद खुली 4 बजे। किवाड़ खुले ही थे, भाई मम्मी बंद करना भूल गई। वह दौड़ी हुई कार्लेस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, ऊपर जहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे। टोकरी का पता नहीं था, जो टोकरी रखी थी ना छाया के लिए, उसका पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए और अंडे नीचे पड़े हैं। श्यामा को लग रहा है कि जो बच्चे हैं ना, वो अंडों से बाहर निकल आए हैं और अब उड़ गए हैं, तो वो दौड़ दौड़ से वापस आती है, बड़े एक्साइटेड है, बड़ी खुश है कि बच्चे उड़ गए, बट दुखी भी है कि उसने उन्हें देखा नहीं। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इन्हें देखते हैं। आपने कितना
इस वर्कशीट को समझा। किवाड़ किसने खोला पहला सवाल है, तो आपने क्या करना है, चारों ऑप्शन लिखने, चारों ऑप्शन लिखोगे उसके बाद जो आंसर है उसको अगले में या तो उसे टिक कर दोगे या उसे गोला कर दो चारों में से, ठीक है। तो किवाड़ किसने खोला, श्यामा ने, केशव ने, माँ ने या सभी ने, तीनों ने खोला था, माँ ने खोला था, केशव ने खोला था या श्यामा ने खोला, तो आ गया ना आपको आंसर। अगर आप चैप्टर को पूरी देखते हैं शुरू से लास्ट तक तो आपको पूरा चैप्टर जो है इसके आंसर भी आ जाते हैं, तो इसका सही जवाब है केशव ने। दूसरा सवाल है यकायक शब्द का क्या अर्थ है, यकायक तो अभी बताया ना यकायक का क्या मतलब है, अचानक है, धीरे से है, एक एक है या देखना है, तो अभी बताया ना यकायक का अर्थ होता है अचानक यानी कि सडनली। तीसरा सवाल है केशव को श्यामा पर विश्वास नहीं था, क्यों क्यों विश्वास नहीं था, उसे अंडे नहीं दिखाए थे इसलिए, उससे लड़ाई हुई थी इसलिए, बच्चे उड़ा दिए थे इसलिए, या वह सच बोलती थी इसलिए। तो देखो भाई हकीकत तो बात यह कि सच बोलती थी, उसका भी पता नहीं था उसे, छोटे बच्चे सच जो है ना बोलते जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत भी कर देते, बच्चे उड़ा देते ये भी रीज़न नहीं है, लड़ाई हुई थी ये भी रीज़न नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उसे अंडे नहीं दिखाए थे। अब आपके पास चौथा सवाल पांचवा सवाल लिखने वाला है और एक एक्टिविटी भी है आपके पास, तो इस एक्टिविटी को हम सारा डिटेल में देखते हैं। तो चौथा सवाल है यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया, तो इसका आंसर लिखोगे यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने किवाड़ खुले देखे और वह अकेले ही चिड़िया और अंडों को देखने के लिए तेज़ी से कार्निस की तरफ दौड़ी और ऊपर अंडों को ताकने लगी, देखने लगी अंडे कहाँ रखे हैं, ठीक है। अगला सवाल है श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही, अपने शब्दों में लिखेंगे आप, केशव ने किवाड़ खोले थे, श्यामा यह बात माँ से नहीं कह पाई, नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा पहला रीज़न कि भाई सच बताने से भैया की पिटाई हो जाएगी, पहला रीज़न। दूसरा है लेकिन कहीं ना कहीं श्यामा भी इस कसूर में हिस्सेदार थी इसलिए नहीं बताया। और तीसरा रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न वर्कशीट में हमने पढ़ा था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, इसे आप वीडियो रोकने के बाद कमेंट में बताओगे कि आखिर उसने क्यों नहीं बताया, दो तो बता दिए भाई भैया पिट जाएंगी, दूसरा रीज़न है कि इस कसूर में उसका भी रोल था, तो तीसरा क्या सीन है वो आप कमेंट में बताओगे। तो चलिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं, गतिविधि है क्या आपने अपने बचपन में कोई एक इस तरह की हरकत की, तो आप याद करके लिखेंगे। तो चलिए इसी बहाने आपके बहाने मुझे भी एक अपने बचपन की कहानी याद आई, तो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए बचपन सभी का एक जैसा होता है भाई, है ना, तो बचपन सभी का एक जैसे होता है, बच्चे सारे बच्चे बचपन में शरारत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर तो बड़े हो गए तो सर ने तो शरारत की ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है, देखो आपके मम्मी पापा ने भी ज़रूर शरारत की होगी, तो पूछना उनसे कि उन्होंने क्या शरारत की है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, बचपन सभी का एक जैसे होता है, बचपन में गलतियाँ शरारतें करने का भाई मज़ा ही कुछ और है, मज़ा आता है ना। हमारे गाँव में एक बूढ़ी अम्मा थी जिनका एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ था, है ना, हालांकि उनके घर में अमरूद खाने वाले कोई नहीं थे, अमरूद खाने वाले कोई नहीं थे क्योंकि वो गांव में अकेली रहती थी और उनके जो बेटे बहू पोते हैं ना वो सारे शहर में रहते थे, तो अमरूद खाने वाले कोई नहीं थे। अब देखो फिर भी वो किसी को अमरूद खाने नहीं देती थी, अगर उनसे अमरूद मांगो तो कहती थी नहीं दूंगी, नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें वो कर देती थी, वो भगा देती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन हम चार पांच मित्रों ने दोस्तों ने एक प्लान बनाया, रात का प्लान बनाया, और फिर रात के अंधेरे में ही बूढ़ी अम्मा के सारे अमरूद तोड़ दिए और खा गए धीरे धीरे, वे सारे एक साथ नहीं खाए, हमने क्या करा सारे तोड़ दिए, किसी के घर में रख दिए और फिर हम उन्हें आज खाने लगे कल खाने लगे। सवेरे हमारा क्या हाल हुआ होगा,
ये मुझे आप कमेंट में बताओगे, अनुमान लगा के बताओगे कि सुबह हमारे साथ क्या हुआ होगा, हमारे घर वालों ने क्या हुआ किया होगा और बूढ़ी अम्मा ने क्या किया होगा। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस, मुझे इसका अनुमान ज़रूर कमेंट में बताना। और साथ ही अगर आपका भी कोई खट्टा मीठा इसी तरह का एक्सपीरियंस है तो छोटा सा आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।